नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हंगरी स्पिरिट चैनल में। दोस्तों, बिग बॉस 12 के जो भी वीडियोस हंगरी स्पिरिट चैनल डालते हैं, आप उनके ऊपर करते हैं कमेंट और कमेंट के ऊपर हम लोग करते हैं चर्चा। आज के दिन यानी कि बुधवार को किन के कमेंट्स आते हैं और किन के नहीं आते हैं वो बाद की बात है, मगर जो भी कमेंट्स आते हैं वो काफी सारे कमेंट्स का एक सारांश होता है, एक सार होता है, एक रिप्रेजेंटेटिव कमेंट होता है वो सब लोगों का। तो उसी के बारे में बात करते हैं। पहले कीजिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, और साथ में आप बेल आइकन भी दबा दीजिए दोस्तों, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोज के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. शुरुआत करते हैं दोस्तों एक ऐसे कमेंट से जो कमेंट एक छोटी बच्ची के लिए आया है। वो बच्ची जो हमें वीडियोस भेजती है हमारे फोन नंबर के ऊपर, जो हम आपसे शेयर करते हैं वीडियोस के बीच में, टॉप 10 में भी हम वो नंबर शेयर करते हैं, उसके ऊपर उन्होंने वीडियो भेजा है। उनके फादर ने शूट करके अपनी बच्ची का वीडियो भेजा है, मगर कुछ लोग इतने इनसेंसिटिव होते हैं कि उनको वो भी पसंद नहीं आता, उसके ऊपर भी कमेंट आते हैं। काफी सारे कमेंट बीच में अच्छे भी थे जो बच्ची को एनकरेज करने वाले थे, मगर कुछ कमेंट्स ऐसे थे जो इस तरह की फील के साथ आए। उनमें से एक कमेंट मैं पढ़ती हूँ। ये कमेंट है महेश कुमार का। महेश कुमार बच्ची के लिए लिखते हैं कि तुझे कितने पैसे मिले इस वीडियो के लिए मेगा से या रिव्यू देने वालों से? कुछ भी बकवास करती ये लड़की, मेगा को जूते मारकर निकालो। तो दोस्तों ये कमेंट है महेश कुमार जी का। तो ये जो कमेंट के बीच में उन्होंने भाषा यूज की है, एक तो अगर कोई बच्चा या कोई भी ऐसा बंदा जो अपना वीडियो हमारे चैनल पे दिखाना चाहता है, आप उसको अगर एनकरेज नहीं कर सकते, आपको वो नहीं पसंद आता, तो आप उसको डिस्करेज मत कीजिए। अगर आपको नहीं पसंद आ रहा तो आप किसी अच्छी भाषा में उसको बता सकते हो। ये लिखने की कोई जरूरत नहीं थी आपको। इसमें से आपकी या तो जेलसी झलकती है कि आपको पैसे नहीं मिले, वैसे तो इस बच्ची को पैसे मिले नहीं, इसकी अपनी एक इच्छा है कि मैं अपने कंटेस्टेंट्स के बारे में बोलूं, वही उसने बोला और बहुत अच्छा रिव्यू दिया। इस बच्ची का दिमाग आप लोगों से यानी कि महेश कुमार जी आपसे बहुत अच्छा है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप प्लीज इस चीज को नोटिस कीजिए और ये चीज समझिए कि ये जो शो बिग बॉस का चल रहा है वो सब लोग इक्वली देख रहे हैं। किसी का कोई फैन है, किसी का कोई फैन है, मगर अगर आप इस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल करके जूते मार के निकालो, ये करके निकालो, तो आप लोग उनसे कम नहीं हो जो बिग बॉस के घर में ऐसा कुछ कर रहे हैं और बाहर आप बिग बॉस के घर के बाहर आप ऐसा कुछ कर रहे। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आपने हमारा वीडियो देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद महेश कुमार जी। अगला कमेंट है दोस्तों रविधरा 1919। ये लिखते हैं, अगर मराठी बिग बॉस इतना ही खराब है तो हिंदी बिग बॉस वालों ने मराठी बिग बॉस 2 नहीं लाना चाहिए था। ये तो मराठी हो या हिंदी बिग बॉस, खुद ही इज्जत कम कर रहा है। मेगा धाड़े मराठी की विनर है, इस बात पर खिल्ली उड़ाई जा रही है तो हिंदी बिग बॉस सीजन 12 सलमान के साथ पूरा फेक लग रहा है। अब लगता है कि मेगा धाड़े के फैन जागना शुरू हो गए हैं, क्योंकि हमने जब मराठी बिग बॉस को किया था, रिव्यू किया था मराठी बिग बॉस का, तो वो उनके फैंस जो थे, बिग बॉस देखने वाले थे, वो बहुत ही समझदार लोग थे। हमें कभी भी ऐसा कोई कमेंट नहीं आया जिसमें कोई ऐसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल हो या ऐसी कोई बैड लैंग्वेज हो या गाली गलोच हो। अगर कोई हमारी क्या बोलते हैं किसी चीज को नहीं पसंद करता था या उनको लगता था कि क्रिटिसाइज करता था, तो वो भी एक अच्छी भाषा में, एक अच्छे तरीके से, जिसमें समझ में आता था और अच्छा भी लगता था। इसलिए इन्होंने ये लिखा है कि अगर सीजन 1 बिग बॉस मराठी का इतना खराब होता जो आप मेगा धाड़े को बार बार टारगेट कर रहे हो, तो दूसरा सीजन नहीं आता। दूसरा सीजन भी अभी आने वाला है बिग बॉस मराठी का, और अगर वो खराब है तो ये कौन सा अच्छा है बिग बॉस 12। तो ये उन्होंने बड़े दिल से कमेंट लिखा है। थैंक यू सो मच रवि जी। इसके बाद मैं कमेंट पढ़ूंगी मनोज राज ठाकुर। तो दोस्तों ये आपको कमेंट जरूर निराश करेगा जिनका मैं कमेंट पढ़ने वाली हूँ, मनोज राज ठाकुर का, क्योंकि इनको मैंने वैसे मैसेज भी किया है कि आप हमारा वीडियो देखिए। जिस तरह से इन्होंने जो जो गालियां इन्होंने लिखी है वो मैं नहीं बोलूंगी, वो आप पढ़ लीजिएगा स्क्रीन पे, मगर मैं एक कमेंट इसलिए शामिल कर रही हूँ कि जो लोग भी गालियां देते हैं और बाद में ये भी बोलते हैं कि हम कहाँ दे रहे हैं, हम तो दीपक के फैन, हम कहाँ गालियां दे रहे हैं, आपको कौन सा वीडियो दिखा, कौन सा कमेंट दिखा जिसमें गालियां दी गई है, तो ये कमेंट मैं इसलिए इस वीडियो में शामिल कर रही हूँ। ये लिखते हैं दोस्तों दीपक सही मेगा डैश 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 चुड़ैल है। तो आप ये सोचो कि जो बंदे दीपक के फैन, सो कॉल्ड फैन हैं, वो ये सब लिख रहे हैं दूसरे कंटेस्टेंट के लिए,
तो आप ये सोचो कि दीपक इतना अच्छा घर के अंदर जो कर रहा है, उसके फैंस घर के बाहर ये सब करके उसकी रेपुटेशन कितनी खराब कर रहे हैं, दीपक की रेपुटेशन खराब कर रहे हैं। अगर उनके फैंस यही चीज किसी अच्छे तरीके से लिखते कि हमें मेगा पसंद नहीं है, जो भी लड़ाई है उसमें मेगा गलत थी या ये था या वो था, गालियों की यूज करने की जरूरत नहीं थी। मनोज जी, आप क्यों अपना करेक्टर दिखा रहे हैं लोगों को? आपको अगर कोई जानेगा तो मनोज राज ठाकुर तो कोई कमेंट आपका पड़ेगा नहीं कि इसने तो भाई गालियां ही लिखी होंगी। तो इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए। अगर आप वाकई दीपक से प्यार करते हो तो दीपक को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कीजिए। दूसरे कंटेस्टेंट को क्रिटिसाइज करना तो अच्छे तरीके से कीजिए, ये कोई तरीका नहीं है। ये कमेंट आपका मैंने इसलिए इस वीडियो में शामिल किया और आपको रिक्वेस्ट की थी कमेंट में कि आप ये वीडियो जरूर देखिए अगर आपने देखा हो। अगर आपको फिर भी लगता है कि आपको गालियां ही देनी है तो फिर आपकी मर्जी है ना। तो नेक्स्ट कमेंट में पढ़ती हूं, राहुल पठान कोलिया। ओके, राहुल पठान कोलिया लिखते हैं, इनका भी कुछ ऐसा सा ही है कि हंगरी स्पिरिट्स वाले डैश हमेशा दीपक के बारे में गलत ही बोलते हैं। हमें तो ना लगा बिन पैंदे का लोटा, हैप्पी क्लब था और हैप्पी क्लब में ही है। तो दोस्तों ये भी मैंने इसलिए पढ़ा और बीच में जो डैश किया वो भी एक गाली थी। तो अब मैं ये तीसरा कमेंट पढ़ रही हूँ दीपक के फैंस का जिसमें गाली का इस्तेमाल किया गया है। एक बंदे को शिकायत थी कि आपने बिना कुछ देखे बिना कुछ किए, जैसे रात को जो लाइव होता है उसमें उनको शिकायत थी कि दीपक के फैंस तो गाली देते ही नहीं है। अभी मैंने इसलिए ये कमेंट शामिल किए हैं, इससे भी ज्यादा गालियों के कमेंट है जो हमने शामिल नहीं किए हैं, मगर ये दिखाते हैं कि आप दीपक को रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हो। मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि पहले कमेंट में ये चीजें मैंने बोल दी हैं। और हंगरी स्पिरिट्स वालों को डायरेक्ट उन्होंने बोला है कि दीपक के बारे में गलत ही बोलते हैं, और इसका मतलब ये है कि आप हमारे वीडियोस देखते ही नहीं है। हम किसी के बारे में भी गलत नहीं बोलते हैं भाई, हम लोग जो देखते हैं जैसा दिखता है वैसा ही हम बोलते हैं। हम किसी के फैन नहीं है, किसी के अगेंस्ट नहीं है। अगर कोई गलत करेगा तो डेफिनेटली बोलेंगे, अगर कोई सही करेगा तो डेफिनेटली बोलेंगे। तो आप ये दिल से बात निकाल दीजिए कि हम किसी के फेवर में हैं। ओके, अगला कमेंट है दोस्तों नीनंग नीनंग, ये लिखती है सृष्टि गोइंग रोंग लाइक एंड शी कमेंट्स ऑन मेगा, ये है विनर। अगर सृष्टि होती मेगा की जगह तो आई एम श्योर शी कैन फाइट फिजिकली। मैं इनसे बिल्कुल सहमत हूं दोस्तों, क्योंकि ये जो चीजें चल रही थी पहले तो सिर्फ यह था कि कॉमनर्स ही ये चीज उछाल रही थी, ये है विनय से रोमिल है, दीपक है, सुरभि है या जो भी बाकी लोग सौमी है, तो अब इसमें सृष्टि भी शामिल हो गई है। जैसे सृष्टि ने कल के एपिसोड में ये कमेंट किया तो बहुत ही अजीब लगा देख के कि जो चीजें पहले से ऐसे उछल रही थी एक और बंदा उसमें शामिल हो गया। इनकी बात बिल्कुल सही है कि अगर सृष्टि उनकी जगह पे होती, वो बिग बॉस की विनर होती, उनको यहाँ पे ये बात बोली जाती तो वो फिजिकली उनसे लड़ाई करना शुरू कर देती, जैसे कि कल सृष्टि ने जसलीन के साथ लड़ाई की अननेसेसरली बिना किसी बात के। और मुझे तो हंसी आ रही थी वो लड़ाई देख के कि जसलीन की हाइट देखो, सृष्टि देखो, कैसे वो पंगा ले रही थी ऊपर ऊपर होके आगे आगे होके, मतलब जैसे मैन टू मैन फाइट हो रही थी बिल्कुल। और जसलीन अपनी जगह पे खड़ी थी, सृष्टि उसके ऊपर बढ़ के लड़ाई कर रही थी, वो तो इतने छोटे से मैटर पे इतना भड़क रही थी। अगर ये चीज उसके ऊपर होती तो डेफिनेटली नीनंग जी जो आपने लिखा है वो सही होता, फिजिकली फाइट करना शुरू कर देती। अगला कमेंट है दोस्तों गौरव शर्मा का, ये लिखते हैं, ये किसी और के कमेंट की रिप्लाई में इन्होंने बोला है कि रोमिल 24/7 सिर्फ गेम स्ट्रेटेजी के बारे में ही सोचता रहता है, इसलिए वो मनु मनवीर की तरह लोगों से कनेक्ट नहीं हो पाया है। वेरी ट्रू, मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाया, वो भी आप जरूर देखिएगा। उसको गेम के अलावा अपना रियल साइड भी दिखाना पड़ेगा, तभी वो सेलेब्स की फैन बेस से ऊपर जा सकता है। रोमिल रोडिस की तरह बस स्ट्रेटेजी और मैनिपुलेटर ही करता रहता है, अपनी रियल साइड दिखाएगा तो पीपल कनेक्ट होंगे उससे, जैसे मनु मनवीर से हुए थे, इसीलिए टॉप थ्री में नहीं आएगा। इन द एंड फैन बेस ही मैटर करता है। बिल्कुल गौरव शर्मा जी, आपने बिल्कुल मेरे दिल की बात बोल दी, क्योंकि रोमिल अच्छा खेल रहा है बट वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेटेजीज लगा रहा है। ये शो जो है ये रोडीज नहीं है, ये शो है लोगों के दिल जीतने का, फैंस बनाने का, जो कि रोमिल अभी तक बनाया पाया है वो बहुत कम है हमको जिताने के लिए। अगर कोई एक स्टेट या कोई एक शहर उनको वोट कर रहा है बट ये जो शो है पूरा इंडिया देख रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे भी लोग इसको देखते हैं, वहां से भी हमें कमेंट्स आते हैं। तो ये जो शो चल रहा है इसमें उनको लोगों को दिल जीतने के लिए अपनी रियल साइड दिखानी पड़ेगी, जो एक्चुअली रोमिल है।
अगर वो स्ट्रेटजी लगाता रहेगा तो मैंने अपने वीडियो में भी ये चीज शेयर की, वो सिर्फ एक एंटरटेनमेंट का बायस बन जाएगा, विजेता नहीं बन पाएगा। तो थैंक यू सो मच इतना प्यारा कमेंट शेयर करने के लिए। अगला कमेंट है दोस्तों महेंद्र मौर्य का, ये लिखते हैं केवी ने काल कोठरी में श्री को भेजा, वहां पर सुरभि होनी चाहिए थी, लेकिन केवी डरता है हैप्पी क्लब से और सिर्फ श्री खिलाफ है, बाकी श्री एंड केवी को काल कोठरी में भेजा था। हाँ, तो हैप्पी क्लब के चार मेंबर्स को नॉमिनेट भी किया। हाँ, ये इनका मतलब ये बोलने का है दोस्तों, थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, इनका मतलब ये था कि केवी डरता है और श्री नहीं डरता है। और जैसे इस बार श्री को फिर से काल कोठरी में भेजा गया, उससे पहले केवी को भेजा गया जिसको श्री ने भेजा, बट श्री ने बाद में केवी को इसलिए भेजा, ये उन्होंने बताया कि मैंने हैप्पी क्लब को नॉमिनेट भी किया उसके अगेंस्ट। मतलब अल्टीमेटली काल कोठरी तो एक दिन की सजा होती है, नॉमिनेशन पूरा हफ्ता दिमाग में चलता है कि हम बाहर जाएंगे, रहेंगे रहेंगे बाहर जाएंगे, तो पूरा हफ्ता वो उस ट्रॉमा में रहे। जैसे ही उनको नॉमिनेट किया श्री ने, वैसे उन्होंने शुरू कर दिया अपना वो नाटक कि हम हेल्प कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, क्योंकि वो बौखला गए कि हम लोग हो गए, हम लोग नॉमिनेट हो गए। तो ये जो श्री ने किया वो उस जेल भेजने से बहुत ज्यादा था हैप्पी क्लब वालों के लिए। यही चीज बताना चाहते हैं दोस्तों कि जो श्री ने किया वो सही था, बट केवी क्योंकि डरते हैं हैप्पी क्लब से इसीलिए वो श्री को बार बार सजा दे रहे हैं। सो अच्छा लिखा है आपने। अगला कमेंट है दोस्तों रोहिणी यादव, ये लिखती हैं अब केवी श्री से डर रहा है इसलिए वो श्री को टारगेट कर रहा है, घर वालों को श्री के खिलाफ भड़काने की कोशिश करता है, खेलना है तो श्री के जैसा खेलो, श्री हर दिन अलग करता है, श्री इज द बेस्ट। ये श्री को बहुत प्यार करती है रोहिणी यादव जी, इन्होंने श्री के बारे में बहुत अच्छा लिखा है, मगर आपकी जो केवी के बारे में राय है उसमें ज्यादा सहमत नहीं हूँ। और जो आपने लिखा है कि श्री अपने डिफरेंट शेड्स दिखाता है वो बिल्कुल सही है, हर दिन उसका कुछ अलग ही रंग देखने को मिलता है और सारा घर जितना भी कोशिश कर ले अपने इर्द गिर्द नहीं घुमा पा रहा है बाकी लोगों को, चाहे रोमिल हो चाहे कोई भी हो, सिर्फ और सिर्फ श्री है जो चाहे कुछ भी करे उस 100% वो दिखता है। तो अगला कमेंट है दोस्तों सोनल सिसोदिया का, ये लिखती है ऑल पीपल्स आर गेस दैट रोहित विल गो होम बिकॉज ही इज डूइंग नथिंग बट आई थिंक ही विल नॉट इविक्टेड बिकॉज ऑफ सृष्टि लव ट्रायंगल फॉर टीआरपी बिग बॉस विल नॉट इविक्टेड हिम जसलीन विल गो होम। सोनल सिसोदिया का कमेंट पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगा कि अब ऑडियंस जो है, व्यूअर्स जो है, बिग बॉस को बहुत अच्छे से समझने लग गए हैं। अब जो गेम है बहुत प्रिडिक्टेबल होनी शुरू हो गई कि कौन घर से बाहर जाएगा, कौन विनर होगा और क्या होगा। तो टीआरपी की बातें होती हैं कमेंट्स में और स्ट्रेटजीज की बातें होती हैं और क्या क्या होना है उसकी बातें होती हैं, ये कमेंट्स बड़े अच्छे लगते हैं कि लोग सीरियसली शो को फॉलो कर रहे हैं और सीरियसली देख रहे हैं। तो ये चीजें, ऐसी चीजें, ऐसे कमेंट्स आना एक चैनल का भी एक गुड पॉइंट है और उन व्यूअर्स का भी जो चैनल से प्यार करते हैं। तो बिल्कुल इन्होंने अपने सोनल जी ने सही लिखा है कि रोहित का जो सृष्टि के साथ और जो उनके बॉयफ्रेंड बाहर एक लव ट्रायंगल बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसमें आपने इस हफ्ते में भी देखा होगा कि जसलीन ने रोहित से कहीं ना कहीं कन्फेस करवा लिया कि वो सृष्टि को पसंद करते हैं और सृष्टि जो कि इस चीज का एक तरह से फायदा ही उठाने की कोशिश कर रही है, चाहे वो बार बार ये चीज बोल रही है कि बहुत गंदा दिखता होगा बाहर, बहुत गंदा दिखता होगा, मगर कहीं ना कहीं वो ये चीजें अवॉइड भी नहीं कर रही है। तो ये जो चीजें बिग बॉस के घर में बड़ी नॉर्मल चीजें हैं और इनकी बात बिल्कुल सही लगी कि जसलीन बाहर हो सकती है, क्योंकि जसलीन के साथ अभी जो शिवा शीशा, उन्होंने भी अपनी दोस्ती तोड़ दी है, जसलीन बिल्कुल ही अकेली हो गई है, मगर ये चांसेस हो सकते हैं कि जसलीन और मेघा की दोस्ती हो जाए जो कि दिख रही है इस वीक में, बट बाकी ये शो है बिग बॉस का तो इसके घर में, बिग बॉस के घर में कुछ भी पॉसिबल है। तो इसके बाद जो कमेंट है दोस्तों देवांशी वसावा, ये लिखते हैं आई हैव नोटिस्ड वन थिंग दैट रोमिल एड़ा बनकर पेड़ा खा रहा है और वहां दीपक सुरभि फालतू में लड़ रहे हैं। भाई सीधा सीधी बात है, रोमिल को दावेदारी में आना था, आ गया, और सीरी को सिर्फ शिव को, शिव से मतलब था और बाकी से नहीं, तो श्री का भी काम हो गया। वहां हैप्पी क्लब वाले लड़ रहे हैं, सुरभि तो इसे ऐसे बोल रही है कि जैसे वही सबको कैप्टन बना रही हो, और अरे बहन दीपक ने भी यहां वहां टास्क में कंटेंडरशिप छोड़ी और सुरभि सिर्फ अंडे वाला टास्क में ने छोड़ी, अंडे वाला टास्क में छोड़ी थी। ओके
चार पांच बार मुझे अंडे वाले टास्क में छोड़ी थी, चार पांच बार। मुझे तो लगता है रोमिल का एक पैर सुरभि के कंधे पर है और दूसरा दीपक के कंधे पर, और रखकर चलता है, और ये बीबी भी रोमिल को ज्यादा चांस देते हैं। तो दोस्तों, अब जो रोमिल के फैंस हैं, अब ये कमेंट सुन रहे होंगे, उनको पता है कि व्यूअर्स कैसा सोच रहे हैं। ये एक वीडियो हमने बहुत पहले ही बनाई थी कि जो रोमिल है दूसरे के कंधे पर रख के बंदूक चला रहा है, वो इस आपके कमेंट ने पूरा का पूरा वो जो बात थी वो बोल दी है कि एक पैर जो है सुरभि के कंधे पे है और एक पैर जो है दीपक के कंधे पे, और अब सुरभि अपना पैर जो है अपना कंधा जो है सॉरी खिसकाने वाली है। तो ये जो रोमिल की जो स्ट्रेटेजी है वो काम तो आ रही है उसके, बट अल्टीमेटली कब तक काम आएगी, क्योंकि सामने चीजें आनी शुरू हो जाएंगी जैसे जैसे कंटेस्टेंट कम होते जाएंगे, अल्टीमेटली जो भी आएगा अगेंस्ट ही होगा एक दूसरे के। तो ये जो चीजें अगर आज दीपक और सुरभि समझ जाए तो अच्छा है, नहीं समझेंगे तो फिर नहीं जीतेंगे। तो थैंक यू सो मच कमेंट करने के लिए। अगला कमेंट है दोस्तों मीना का। मीना लिखते हैं, वी लव यू श्री, यू आर द हीरो बिग बॉस, नो मैटर व्हाट नेगेटिव और पॉजिटिव, यू आर द ओनली वन सीन एवरी डे टॉपिक इज श्री ऑन बिग बॉस, यू आर डूइंग वेरी वेल श्री। तो ये श्री की फैन और बहुत प्यार से इन्होंने ये कमेंट भेजा है। तो श्री, आपको बहुत लोग प्यार कर रहे हैं और आप बहुत अच्छा खेल रहे हैं, और दोस्तों ये मीना जी का प्यार है जो श्री के लिए है, जो इस कमेंट के जरिए हमारे तक पहुंचा है। आगे खुशबू कुमारी, ये लिखती है, दीपिका कितना भी अच्छा करे सब घर वालों को एक्टिंग ही लगती है, पर दीपिका आप टेंशन मत लेना, हम लोग आपके साथ हैं, आप बेस्ट हो दीपी। तो ये खुशबू जी ने बहुत प्यारा कमेंट भेजा है और बहुत ही दिल को छूने वाला कि उनको पता है घर के अंदर उनके साथ क्या हो रहा है। अब ऐसे कमेंट जो है एग्जाम्पल है, उन्होंने किसी को बुरा नहीं बोला है, उन्होंने सिर्फ ये लाइन लिखी घर वालों को लगता है कि एक्टिंग कर, वो भी गालियां निकाल सकती थी, मगर नहीं, उन्होंने बड़े प्यार से और बड़े तरीके से अपने कंटेस्टेंट्स की प्रेज की है। तो ये कमेंट हमें सिखाते हैं कि हमें कमेंट कैसे करना चाहिए। तो आगे है दोस्तों लक्ष्मी श्रीवास्तव, ये लिखती है, श्री इज बेस्ट, श्री ने विनर के पैसे बचाना चाहता है, जबकि रोमिल बहुत सेल्फिश है, वो सिर्फ कैप्टन बनने के लिए विनर के पैसे बर्बाद कर रहा है। श्री बहुत ही जेन्युइन है, वो दिल के अच्छा इंसान है, उनको ही जीतना चाहिए। गाइस प्लीज वोट फॉर श्री। तो ये बात से मैं इनकी बिल्कुल बिल्कुल सहमत हूं कि लक्ष्मी जी की जैसे जैसे कि कल का टास्क था जो कि आज भी चलेगा कि कैसे पैसे जो है वो विनर की अमाउंट में से कम होंगे, और आपने देखा होगा कि दूसरे जो कंटेस्टेंट जो आया गिराने के लिए कैप्टनशिप के लिए वो थी सोमी, और सोमी सीधा 12 लाख लेके आ गई दीपिका के लिए। अब सोमी के पास इतना भी दिमाग नहीं है, या फिर उसको ये लगता है कि वो विनर नहीं है तो किसी विनर जो भी विनर होगा उसके 12 लाख कम कर दे, पता नहीं क्या सोच के वो 12 लाख लेके आ गई कि ये 12 लाख लो दीपिका को कैप्टन मत बनने दो। वहां पे श्री ने अपना दिमाग लगाया और वो 12 लाख नहीं लिए, उनको वापस भेज दिया। तो एक्चुअली ये चीज है, ये है गेम जहां पे आपको दिमाग लगाने की जरूरत है, वहां पे आप दिमाग नहीं लगा के और एक हफ्ते की कैप्टनशिप के लिए मरे जा रहे हो, वो चीजें जो है वो थोड़ी सी और लगती है, वहां पे लगता है कि आप अपनी असली जो गेम है वो दिखा रहे हो, जबकि असली गेम है विन करने की, ना कि कैप्टन बनने की। आप कैप्टनशिप का टास्क करो मगर विनिंग टारगेट दिमाग में रख के। तो ये जो चीजें हैं इन्होंने बिल्कुल सही लिखा है कि विनर के पैसे कम करवाने की कोशिश जो है, रोमिल ने ये बात का ध्यान नहीं दिया, उन्होंने अपने कैप्टनशिप पे ध्यान दिया, जबकि श्री शाह ने इस बात का ध्यान दिया कि विनर के पैसे कम नहीं होने चाहिए। तो ये होती है स्पोर्ट्समैनशिप। तो दोस्तों आज के लिए इतने ही कमेंट्स है, आपको ये वीडियो कैसा लगा बताइएगा, हमारा फोन नंबर भी नोट कर लीजिए, उसके ऊपर भी आप अपने कमेंट्स, अपने वीडियोस, अपने कंटेस्टेंट के लिए वीडियोस बना के भेजिए, जैसे वो प्यारी सी बच्ची भेजती है, आप भी भेजिए, और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग हंगरी स्पिरिट्स चैनल। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.